आदाब मैं रिंकी त्यागी हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी समाजी और इकतदी सूरत हाल पर एक ख़ास प्रोग्राम लेकर यह है इंडिया एनर्जी किसी भी देश के डेवलपमेंट और खुशहाली के लिए बहुत अहम होती है समाज के हर एरिया में चाहे वो एग्रीकल्चर हो कारोबार हो ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड हो या फिर रिहायशी इंतज़ाम छोटे बड़े हर काम के लिए एनर्जी की ही ज़रूरत होती है पिछले कुछ बरसों में जिस तेज़ी से मुल्क ने तरक्की की है इन सभी एरियाज़ में एनर्जी की मांग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम एनर्जी की बढ़ती हुई ज़रूरतों को कैसे पूरा करें ऐसे में रीन्यूबल एनर्जी और ख़ास तौर पर सोलर एनर्जी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है इसी पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इन्वाइट किया है दो खास मेहमानों को हमारे साथ हैं टेरी में रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्टर शिरीश गरुड़ जी स्वागत है सर आपका हमारे प्रोग्राम में हरियाणा सरकार के फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज जैन जी आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में सर तो सबसे पहला सवाल गरुड़ साहब से ही होगा कि ये जो सोलर एनर्जी सिस्टम है इसकी इसके होप्स क्या है इंडिया में और साथ ही हमने कितनी ग्रोथ की है इस फील्ड में सोलर एनर्जी की ग्रोथ हमने सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन काफ़ी पहले से शुरू किया था उन्नीस सौ के दशक से और पहले हमारा रुख था आ, सोशल इंटरवेंशन इन, इन, के लिए जहाँ पे दूर एरियाज़ में जहाँ पे सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे एनर्जी देने के लिए आ, उसके बाद में 2010 में जब सोलार मिशन लॉन्च किया तो उसके बाद में ग्रिड इंटीग्रेटेड सोलार एनर्जी का यूटिलाइजेशन शुरू हुआ और तब से आज तक हमने काफ़ी प्रगति की है अब करीब हम अब दुनिया के पांचवें देश हैं पांचवें नंबर पे है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी लगाई है तो ए, हमने अभी तक 56 गीगावाट तक 56 से भी ज़्यादा गीगावाट सोलर सोलार एनर्जी के ग्रिड कनेक्टेड प्लांट लगाए हुए हैं उसके अलावा ऑफ ग्रिड और अदर एप्लीकेशंस पंपिंग है सोलार पंपिंग है होम लाइटिंग सिस्टम से लैंटर्न से तो काफी काफ़ी एरियाज में हमने काम किया हुआ है जी और जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है तो माने काफी हमने ग्रो, ग्रोथ किया जी मनोजन साहब आपसे भी यही सवाल है कि आप किस तरह से देखते हैं जो सोलर एनर्जी सिस्टम है देश में जो एनर्जी क्राइसिस है किस तरह से बेहतर होगा जब इस दिशा में हम काम करेंगे तो मैडम अगर आप देखें तो हमारे पास जो सोलर एनर्जी के जो सिस्टम्स हैं और जो जितनी भी अभी तक डेवलपमेंट हुई हैं और स्पेशली जैसा अभी सर ने बताया है कि हम सत्तर और अस्सी के दशक से हम लोग काफ़ी इसमें प्रोग्रेस किए लेकिन 2014 के बाद में पिछले सात आठ सालों में जितनी तेज़ी से इसके अंदर डेवलपमेंट हुआ है अगर हम देखें तो शुरू में अगर हम 2014 से पहले जो सिस्टम होते थे लगभग अगर हम सोलर पंप की बात करें तो सोलर पंप के अंदर लगभग उस समय 11000 के लगभग पंप्स टोटल सोलर लगाए गए थे जबकि आज की डेट में लगभग सवा लाख के लगभग जो सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम है जो कि फार्मर्स के लिए एक वरदान है कि उनके खेतों में बिजली हो या ना हो डीजल हो या ना हो लेकिन वो लोग अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं और बिना किसी डीजल के बिना किसी आ, बिजली के और डे एंड नाइट मतलब दिन के समय जब सूर्य की ऊर्जा उपलब्ध है तो वो बिना रोक टोक के और लगातार उसको सिंचाई कर सकते हैं तो वो काफ़ी अच्छा वरदान साबित हुआ है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं टू द फार्मर और कुछ स्टेट्स में जैसे हरियाणा में रहा हूँ तो हरियाणा में सेवेंटी फाइव परसेंट तक उस पर उनको अनुदान मिला है अदर जो दूसरे स्टेट्स हैं उनके भी अपने अपने सब्सिडी पैटर्न हैं लेकिन ओवरऑल फार्मर्स को इसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है और इसके अलावा जो छोटे सिस्टम्स हैं जैसे कि इन्वर्टर चार्जिंग सिस्टम है या इस तरह की डोमेस्टिक लाइटिंग सिस्टम है उससे भी उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा गांव में रहने वाले परिवारों को विशेष तौर से मिला है और रूफटॉप के अंदर भी अगर हम देखें तो जो ग्रिड कनेक्टेड हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों में इसका प्रचार प्रसार हुआ है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में अब लोगों ने इसको लगाना शुरू किया है जितना लगना चाहिए उतना अभी भी नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम उससे पहले के कम्पेरिजन में देखें तो लार्ज स्केल पर इसका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलजन हुआ है और इम्प्लीमेंटेशन हुआ है ग्राउंड लेवल श्रीज गुड साहब जैसे कि सर ने बोला एग्रीकल्चर के फील्ड में फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिट हुआ है बाकी ऐसे और कौन से एरियाज हैं जहाँ पर रिमार्केबल वर्क हुआ है सोलर एनर्जी को लेकर सोलर एनर्जी को लेके स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज में काफ़ी रूफटॉप सोलर का प्लांट uh, लगे हुए हैं स्मॉल इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए जिनको सोलर uh, सोलर uh, uh, की जो बिजली होती है उसकी कॉस्ट कम होने के कारण उनको काफ़ी uh, और फिर वो पोल्यूशन फ्री भी है तो वो एक एरिया है रेजिडेंशियल में जैसे इन्होंने बताया जैसे रूफटॉप सोलर रेसिडेंशियल एरिया में भी काफ़ी लग रहे हैं उसके अलावा uh, छोटे छोटे विलेजेस uh, में uh, जिसको हम लाइवलीहुड जनरेशन कहते हैं जैसे कि हमने पावर uh, लूम्स जो होते हैं तो उसको सोलर solar, सोलराइज किया हुआ है तो उनको बिजली के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है तो डायरेक्टली सोलर से पावर लूम्स चल रहे हैं तो ये बनारस में काफ़ी किया हुआ है हमने काम छोटे जो बोट्स होते हैं गंगा गैंगेज में तो उसमें उसमें भी सोलर पावर्ड बैटरी लगाई है तो उससे नॉइस पोल्यूशन और डीजल पोल्यूशन दोनों कम हो रहा है तो इस तरह के काफ़ी उसके अलावा जैसे स्विंग मशीन्स है या और भी खेती के कुछ स्प्रेइंग मशीन्स है ये सब सोलराइज कर रहे हैं तो देर ऐसे काफ़ी एप्लीकेशंस है जिसके वजह से सब लोगों को मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को बड़े इंडस्ट्रीज से लेके छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को और एंटरप्रेनर्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है काफ़ी स्कीम्स uh, uh, जैसे कि पर्टिकुलरली वुमेन एंटरप्रिनरशिप काफ़ी इसमें आ गई है uh, जो सोलर चार्जिंग स्टेशन जो है लैंटन चार्जिंग स्टेशन चलाते हैं या इस तरह के छोटे कम्युनिटी इक्विपमेंट के लिए सोलराइज uh, कर रहे हैं स्कूल्स कॉलेजेस में हॉस्टल्स uh, में uh, उसमें भी सोलराइजेशन हो रही है तो uh, इस तरह से काफ़ी uh, uh, काफ़ी एरियाज़ में सोलराइजेशन का इम्पैक्ट दिख रहा है जी जैन साहब आपने क्योंकि ग्राउंड लेवल पर भी काम किया है आप हरियाणा सरकार में अभी काम कर रहे हैं तो सोलार एनर्जी को लेकर आपको क्या लगता है कि किस तरह के इनिशिएटिव्स की और ज़रूरत है कि जिससे जो लोग हैं या फार्मर्स की आप बात कर रहे हैं तो उनको जी जी और ज्यादा बेनिफिट हो सके जी, जी, जी जैसे कि अभी स, बताया अंग्रीश सिंह ने कि हम श्री जी ने भी सॉरी हम लोग जो है जैसे वुमेन एंटरप्रनशिप है Right. अब उसके अंदर गांव के अंदर जो रहने वाली महिलाएं हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जुड़ी हुई हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है इसके अंदर और उसमें जो जैसे कि हम देखते हैं कि फसल के समय या सीजन के समय जैसे काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं कि जो मीन्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाती है और उसमें उनकी सेल नहीं हो पाती तो उनको भी वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ड्राई करके सोलर ड्रायर का इस्तेमाल करके और काफ़ी ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काफ़ी गांव में ये स्कीमें चलाई जा रही हैं ताकि फसल के समय जैसे टमाटर हैं या ओनियंस हैं या इस तरह की और भी जो फ़सलें हैं जो सीज़न के समय काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में होती हैं तो सोलर ड्रायर्स का यूज़ करके और उनका इस्तेमाल वो आगे पैकेजिंग करके और आगे अच्छा अपना जो अर्निंग्स है लाइवलीहुड है तो उसको वो अर्न कर सकते हैं उसमें और काफ़ी ज्यादा स्कोप इसके अंदर इस फील्ड में अब बढ़ता जा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी और इसके अलावा जैसे फार्मर्स हैं तो अब जैसे हम देखते हैं कि फार्मर के खेत में सोलर पंप भी लगा हुआ है अब ई ट्रैक्टर्स भी आजकल आने शुरू हो गए हैं जो मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स तो दे कैन ऑल यूटिलाइज एज ए जैसे साल भर में पंप है लगभग हमारा 120 ट्वेंटी डेज ऑलमोस्ट एवरेज जो आता है वो इस्तेमाल होता है अब खेत में जो पंप है वो ऑफ ग्रिड मोड में है उसकी इलेक्ट्रिसिटी जिस समय फार्मर उसको पंप की तरह से यूज़ नहीं कर पा रहा है उस समय भी उसकी बिजली को इस्तेमाल किया जा सके उसमें ई के अंदर जो उसकी बैटरीज होती हैं उसको भी वो चार्ज करने के इस्तेमाल में अपना कर सकता है खेत के अंदर okay. तो डेट इज़ वन ऑफ द स्कोप उसका डीजल भी नहीं लग yes. और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉल्यूशन भी नहीं होगा yes. उसको डीजल का बर्डन भी नहीं पड़ेगा तो डेट कैन बी आल्सो अपॉर्चुनिटी फॉर द फार्मर्स आल्सो तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जिसमें लगभग हमारा जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इंडिया की लगभग सत्रह हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो पावर कंजप्शन है वो होता है जबकि डोमेस्टिक हमारा लगभग ट्वेंटी हमारा जो रेजिडेंशियल पर्पज़ है जिसको हम कह सकते हैं तो वहाँ पर हमारा रूफटॉप आ जाता है या डोमेस्टिक एप्लींसेज आ जाते हैं छोटे और आजकल जितना भी हमारे पास जितना एक रेजिडेंस के अंदर जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैक्सिमम क्योंकि हमने देखा है काफ़ी लोगों का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ग्राउंड लेवल पर हमने देखा है जो अर्बन एरिया में लगाते हैं इट हैज़ नियर टू ज़ीरो Right. तो वो अपना बिल भी अपने उन्होंने मिनिमाइज कर लिया विद द यूज ऑफ सोलर सिस्टम रूफ टॉप के थ्रू और ऐसे ही गांव के अंदर भी काफी लोग जिनकी एक स्मॉल नीड्स है छोटी नीड्स है उनको सिर्फ अपना एक बल्ब जलाना है या लाइट जलानी है या पंखा चलाना है उनकी छोटे सोलर सिस्टम से भी उनकी नीड फुलफिल हो जाती हैं तो मतलब हर साइड और इसी तरह से कमर्शियल के अंदर और एज वेल एज द इंडस्ट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर भी काफ़ी लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्रीज हैं और उनकी पावर कंजप्सन काफ़ी ज़्यादा होता है उनको जो डिसकॉम्स के से जो वो बिजली लेते हैं डेट इज़ क्वाइट ऑन द हायर साइड और अगर वो अपना पावर प्लांट अपनी इंडस्ट्रीज़ को कैप्टिव uh, मोड में यूज़ uh, करने के लिए लगाते हैं तो उनका बिल भी ड्रेस्टिकली कम हो जाता है तो डैट इज़ आल्सो वेरी मच यूजफुल फॉर देम तो हर एक सेगमेंट के लिए अंदर इसके अंदर सोलर में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जी. और इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट लेवल्स में सर uh, जैसे कि जो सोलार एनर्जी है उसको लेकर गवर्नमेंट तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स कर रही है बढ़ाने के लिए तो जो लोगों के लेवल पर हैं कहें तो किस तरह से इसको यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सकता है किस तरह के इनिशिएटिव लिए जाएं लोगों द्वारा लोगों द्वारा अभी जैसे कि मैनुफेक्चरिंग है या उसकी इंस्टॉलेशंस है तो ये एक एरिया है जहाँ पे लोगों का सहभाग होना ज़रूरी है आ, उसमें ख़ास करके ट्रेंड मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत है और उसके लिए स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया काम कर रही है ग्रीन जॉब्स काउंसिल की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं सर्टिफिकेशन होता है और लोगों को आ, इसके अलावा अग, अगर आप देखोगे तो इसमें सोलर रूफटॉप हो या सोलर कुकिंग हो या छोटे एप्लीकेशंस हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है तो उसके लिए बैंक्स के थ्रू लोन भी मिल सकता है तो लोगों का सहभाग होना ज़्यादा जरूरी है स्पेशली रूफटॉप सिस्टम तो में और ये अगर हो जाता है तो रूफटॉप का और भी बढ़ावा मिल सकता है साहब uh, जैसे जी कि हम बात कर रहे हैं सर ने भी बोला रूफ टॉप सिस्टम को लेकर तो ये जो रूफ टॉप सिस्टम है इसके अगर इंस्टॉलेशन की हम बात करें तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं क्या बहुत इजी है इसको लगाना किस तरह से अप्रोच कर सकता है, एक रूफ की जो भी की आई है उसमें डोमेस्टिक जो सिस्टम्स लगाए जाते हैं रेजिडेंशियल सिस्टम उसमें इट ग

थ्रू द सोलर पावर प्लांट अब उसमें क्या है कि जो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उसको पाँच किलो का लगाना है पाँच किलो का टेंटेड कॉस्ट मान पॉइंट फाइव लैक्स आती है फॉर एग्जाम्पल देन डेट इज इज़ टू गेट इट एट ए वेरी मीन्स ईजी वे में उसको एक फाइनेंस मिल जाती है अगर फैसिलिटी और गवर्नमेंट से अदर वे में जैसे इनकम टैक्स में या जैसे हाउस लोन पर मिलता है उसको इनकम टैक्स में रिवेट अगर उस तरीके एडिशनल और मिल जाती है देन इट विल भी बेनिफिशियल फॉर देम और काफ़ी ज़्यादा सो उसको ये लगता है कि जितना मैं मंथली बिल अपना पे कर रहा हूँ उतना उसको वो इंस्टॉलमेंट में चला जाता है तो ऑलमोस्ट नियर टू जीरो उसके एक्सपेंसिस आते हैं मंथली बाय यूजिंग द रूफ टॉप और देखिए आप ग्रिड में भी हमारा बर्डन कम हो जाता है क्योंकि जितनी अपनी घर की बिजली है वो घर की छत पर ही अपना उसको मिल जाती है कहीं जाना नहीं पड़ता और गवर्नमेंट का भी ये लगता है कि जो ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं जितने हुँ. भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं है. वो मिनिमाइज हो जाते हैं उससे exactly. ताकि घर की छत छत्तीसगढ़ सीधा के सीधा उसमें आना है hmm. और डिपेंड करता है जैसे कि रूफटॉप सोलर में हमारे पास हाईब्रिड ऑप्शन भी है, भी है hmm. या हमारे पास ऑन ग्रिड ऑप्शन भी है ऑफ़ ग्रिड भी ऑप्शन hmm. में तो ऑफ ग्रिड पे तो अभी सब्सिडी नहीं है उस पर जी. लेकिन ऑन ग्रिड और हाईब्रिड पर वो अवेल कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा इसके लिए एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड पोर्टल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसके लिए डेवलप किया है और डेट इज़ बिंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके जो डिस्काउंट्स हैं उनके माध्यम से वो अपना अप्लाई कर सकता है और इजी वे में उसको अब सीधा जो सब्सिडी है आल्सो गो डायरेक्टली टू द यूजर ताकि सीधा सीधा उसके अकाउंट में चले जाए वो तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट और इसमें ज़रूरत है कि थोड़ा सा यूजर साइड से भी अवेयरनेस और ज़्यादा मिल जाए ताकि वो अपने यहाँ उसको जल्दी से जल्दी इंस्टॉल भी करें और उसका रूफ स्पेस है ये एक एडिशनल एड ऑन हम कह सकते हैं बेनिफिट हो रहे हैं कि छत पर जब वो लगाता है तो छत भी गर्म होने से मतलब कम गर्म होती है हीट अप हो कम होती है तो उस उसका अंदर का जो एयर कंडीशनिंग का जो खर्चा है वो भी उसका काफ़ी कम हो जाता है तो एडिशनल इसको बेनिफिट मिल जाता है जी तो ये जो रूफ़ टॉप सिस्टम है ये काफ़ी बेनिफिशियल है अच्छा बावजूद इसके मैं कहीं स्टडी कर रही थी कि जो ग्राउंड माउंट वाले सोलार सिस्टम है वो ज़्यादा हैं अभी देश में इन कंपैरिजन टू दिस रूफटॉप सिस्टम तो इसकी क्या वजह है जबकि जैसे कि सर बोल रहे हैं ट्रांसमिशन लॉस है या आप इसको कहें कि ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ता है ये उसके बावजूद भी इसमें कमी है अभी सी ग्राउंड माउंटेड सिस्टम को ज़्यादा प्रमोट हो गए और ज़्यादा लग गए क्योंकि उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल होती है एक लार्ज स्केल पर जब सिस्टम लगती है तो खर्चे जो है वो कम हो जाते हैं पर किलो वॉट और पर मेगाट लेवल पे तो उसकी वजह से दी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच जनरेटेड इज ऑल्सो वेरी लो

तो वी हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर सोलर इंस्टॉलेशंस इन इन ग्राउंड माउंटेड ऑल्सो उसके अलावा हम फ्लोटिंग सोलर और रूफटॉप सोलर के भी बात कर रहे हैं और ग्राउंड माउंटेड के लिए गवर्नमेंट ने सोलर पार्क की स्कीम लगाई है जिसमें एक बड़े एरिया पे आप उसको डेवलप कर सकते सोलार इंस्टॉलेशनस के लिए और उसके लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन हो जाता है जैसे कि ग्रिड कनेक्टिविटी है रोड है वाटर कनेक्शन है और उसकी वजह से फिर कॉस्ट ऑफ सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी आल्सो कम्स डाउन तो uh, ये जो रीजन्स uh, है और उसके बजे बड़े, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए फिर फाइनेस uh, भी बाहर से अच्छी अच्छे टर्म्स uh, uh, कंडीशंस uh, पे मिलता है जैसे कि लॉन्ग टर्म लो इंटरेस्ट लोन्स मिलते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स uh, भी बाहर से काफ़ी आ रही है तो उसकी वजह से ग्राउंड माउंटेड को फ़िलहाल देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप एंड लॉट ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग इन ग्राउंड माउंटेड ठीक है ये जो ग्राउंड वाउंटेड सोलार सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमें मालूम है कि अपने देश में जो लैंड है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और शॉर्टेज भी है क्योंकि पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो काफ़ी हाई है तो ऐसे में मुझे मुझे क्या माने आप भी इससे अग्री करेंगे कि जो रूफ़ टॉप सिस्टम है उसको ज़्यादा तोज्जो दी जानी चाहिए जी तो इस पर आप क्या कहेंगे इसमें ऐसा है कि दोनों तरीके सिचुएशन है इसमें जैसे रूफ टॉप तो है ही जी ग्राउंड uh, माउंटेड में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है बिकॉज हमारे पास जितनी भी कंट्री के अंदर जो बैरन लैंड है जो मीन्स uh, अनयूटिलाइज uh, है या कह सकते हैं कि जो बंजर भूमि है हमारी और उस लैंड को भी फुली यूटिलाइज किया जाए या जैसे सर ने बताया कि राजस्थान का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट लैंड है तो डेट लैंड आल्सो भी यूटिलाइज या जो अपन जो आ रहा है कैनाल टॉप कि जहाँ हम वाटर बॉडीज के ऊपर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो लैंड भी यूटिलाइज हो जाएगी फिर दूसरी जैसे एग्रोवल्टाइक सिस्टम्स हैं आजकल क्या उन्हें लगा है? जो फार्मर की लैंड है डेट कैन बी आल्सो यूटिलाइज उसमें क्या होता है कि जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको लगाकर और नीचे हम ग्रीन हाउस की तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि नीचे हमारी क्रॉप्स भी हो जाती हैं और ऊपर हमारा पावर मीन्स कि जो फार्मर है हमारा डेट कैन बी ए ड ग्रोअर मीन्स okay. नीचे फसल भी उगा सकते हैं और ऊपर हमारी पावर भी ग्रो हो right. सकती तो yeah. it it. Yeah. Uh, okay, right. है तो डेट कैन भी यूटिलाईज एंड फार्मर्स कैन टाई अप विद विद द कंपनीज हु आर इंस्टॉलिंग इट ही कैन बिकम ए स्टेक होल्डर की भाई उसमें पार्टिसिपेट कर ले उसके अंदर प्रोवाइडिंग लैंड और ही कैन ऑल्सो अर्न द इनकम फ्रॉम दैट और ऐसी फसलें काफी अच्छी उगाई जा सकती हैं और काफी अच्छा देखा है थ्रू द वर्ल्ड में भी इस तरह के एक्सपीडेंट जो किए गए हैं एग्रोवोल्टाइक में कि वो लोग मीन्स की काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक्स उसके अंदर भी निकली आती है काफ़ी अच्छी फसलें ऐसी होती हैं जो शेड भी तो थो उनको थोड़ा चाहिए और नीचे उनको सेफ uh, भी हो जाती हैं बिकॉज प्रोडक्शन भी उनको मिल जाती है तो डेट कैन बी यूटिलाइज विद द फार्मर लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम उस वे में जाते हैं सेकेंडली कि जो हम रूफटॉप uh, का है रूफ तो है ही बेस्ट कि कंट्री के अंदर जितने भी रेजिडेंसल प्रमाइज हैं चाहे हमारे हाउसिंग बोर्ड हो या कहने का मतलब है कि जो बिल्डर्स सोसाइटी हैं या इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं वो अपनी जो छत का जितना भी एरिया है और जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है वो अपनी फुलफिल कर लें ताकि जो हमारी जो कन्वेंशनल सोर्सेज जो पावर आ रही है डेट कैन बी यूटिलाइज फॉर अदर पर्पज जहाँ पर कि सोलर नहीं लगाया जा सकता तो दोनों स्कोप्स हैं हमारे पास रूफटॉप का भी है और प्लस ग्राउंड माउंटेड भी है तो अभी भी कंट्री की जितनी टोटल हमारी पावर जनरेशन है अराउंड 400 गीगावाट के आसपास की उसका वो भी अभी हमारे लिए सफिशेंट है और धीरे धीरे से, से पावर डिमांड बढ़ेगी आगे कमिंग ईयर्स में भी वो भी मैक्सिमम हमारा ये रहेगा कि आगे जो है हमारे जो रिन्यूएबल पावर्स है वेदर इट इज अ सोलर और विंड और बायोमास से ही फुलफिल हो नया जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं या फॉजिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उसको ऑलमोस्ट मतलब आगे जितने चलने हैं वो चलते रहे बाकी के आगे नए प्लान नहीं, नहीं लगे जी सर हम आपसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे रूफटॉप सिस्टम हुआ या ग्राउंड माउंट भी हुआ तो गवर्नमेंट की किस तरह की पॉलिसीज़ हैं कि लोगों को कितनी सहूलियत दी जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर रुख करें गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी हादसे से आ, सपोर्ट दे रहे हैं शुरू में कैपिटल सब्सिडी थी छोटे इंस्टॉलेशन के लिए वो हंड्रेड परसेंट सब्सिडी हुआ करती थी जैसे कि आ, सो, सोशल पर्पस के लिए स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा रहे हैं तो धीरे धीरे वो कैपिटल सब्सिडी चेंज हो कि इंटरेस्ट सब्सिडी आ गई तो आमतौर पे जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट होते हैं उससे दो चार परसेंट कम रेट पे इस, आ, लोन आ, देना शुरू हो गया तो वो इंटरेस्ट सब्सिडी आ गई उसके साथ में फिजिकल बेनिफिट्स आ, भी देना शुरू हो गया जैसे कि इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन फैसिलिटी फॉर इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए इंडिविजुअल्स uh, के लिए इनकम टैक्स फैसिलिटी तो है नहीं uh, पर सॉफ़्ट uh, लोन है और उसके बाद में uh, जो रॉ मटेरियल है रॉ मटेरियल पे एक्साइज ड्यूटी या सेल्स टैक्स इसमें कटौती की गई है uh, हालांकि सोलर सोलर डिवाइसेस के ऊपर एक्साइज एक ड्यूटी नहीं है या अब तो सब जीएसटी पे आ गया आ, पर पहले वो सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में आ, मतलब तो कम रेट पे दिए जाते थे सॉफ्ट लोन जैसे मैंने बोला वो है फिर आ, आ, जो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ग्राउंड माउंटेड उसमें शुरू में बंडलिंग स्कीम थी उसके मतलब सोलार आ, सोलार इलेक्ट्रिसिटी और कोल की इलेक्ट्रिसिटी बंडल करके एक कम रेट पे आप दे सकते थे तब सोलार का रेट ज़्यादा हुआ करता था आ, उसके बाद में अभी वायबिलिटी गैप फंडिंग गवर्नमेंट देती है सी पी एस यू को और ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स को आ, <coughs> रिवर्स ब्रिडिंग शुरू कर दी है जिससे वजह से भी कॉस्ट कम हो रही है तो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है और जैसे जैसे मार्केट बढ़ रहा है जैसे जैसे नए नए इन्वेस्ट इन्ोवेशंस हो रही है मार्केट की साइज़ बढ़ रही है उस तरह से गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसीज़ और अपने सपोर्ट स्कीम्स जो हैं उन उनमें बदलाव ला रही है तो कैपिटल सब्सिडी जैसे कि देखेंगे आपकी वो लिमिट होती थी क्योंकि गवर्नमेंट के फंडिंग लिमिटेड है और अब जाके जो वायबिलिटी गैप फंडिंग आ रही है तो उतने ही पैसे में ज़्यादा कैपेसिटी के प्रोजेक्ट लग सकते हैं तो इस तरह से गवर्नमेंट भी अपने आ, आ, अपने स्कीम्स को मॉडिफाई कर रही है जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आ, उसका बेनिफिट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशंस सोलर की आ जाए मनोजन साहब स्पेशली बात करूंगी यहाँ पर रूरल एरियाज की तो वहाँ पर सोलर एनर्जी का जो यूटिलाइजेशन है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े क्या किया जा सकता है उसके लिए जैसे पहले मैंने बताया है कि जैसे कि हम अलग अलग सेगमेंट को उसके अंदर देखें कि गांव में हमारे जो इंडस्ट्रीज़ बेस हैं क्योंकि गांव में हैवी इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा नहीं होती मेनली एमएसएमई कैटेगरी की ज़्यादा होती हैं और उनकी जो पावर डिपार रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है तो उनको जो डिसेंट्रलाइज वे में कि जो उनको रिक्वायरमेंट है डेट इज़ टू तो बी फिल्ड या अगर अगर एक तरह का जैसे आजकल कुछ प्रचलन में आ गया है कि ए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट right. लाइक डेट वन गवर्नमेंट की यही स्कीम है तो उसके अंदर जैसे कि अब हमारा कोई भी कम्युनिटी बेस्ड हमारा कुछ ऐसे सेंटर्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं कि जहाँ पर कि एक तरह की इंडस्ट्रीज़ जैसे सर ने बताया कि अभी वाराणसी साइड में जो पावर लूम्स हैं डेट इज हैज बीन मीन सोलराइज विद मतलब उनको किया गया है तो उसके जो उसकी अपनी छोटी पावर रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल किया जा सके हमें देखा है कि कुछ गाँव के अंदर काफ़ी ज़्यादा आर्टिजेंट्स ऐसे होते हैं कि जो लेट तक काम करते हैं और इसलिए उनको चाहिए कि रात में भी उनको रोशनी मिल जाए तो उनके लिए छोटे छोटे सिस्टम्स ही काफ़ी हैं कि जैसे कि मान ली विविंग का है या कुछ ऐसा काम है कि एम्ब्रॉयडरी का है और उनको रात के समय अगर लाइट मिल जाती है तो वो अपना काम अच्छी तरीके से बना सकते हैं और लाइव लाइवलीहुड मशीन में चला सकते हैं इसी तरीके से जैसे सोलर ड्रायर्स हैं तो गाँव के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर उनको किया जा सकता है और हो भी रहे हैं अभी एट प्रजेंट और उसके अंदर की जैसे लेडीज़ हैं वो अपना मसाले वगैरह या अपनी सब्जियां वगैरह उनको ड्राई करके उनको ग्राइंड करके उनको पैकेजिंग करके उनको काफ़ी अच्छी उनके मार्केटिंग कर सकते हैं इसी तरीके से सोलर ट्वेल का बता ही चुके हैं रूरल एरियाज में चलते हैं और गाँव की गलियों के लिए स्ट्रीट लाइट्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं जो ताकि इंडिपेंडेंटली वो अपने जो जितनी भी गलियाँ हैं वो पूरी तरीके से इल्यूमिनेट हो जाए रात के समय और इसी तरह से डोमेस्टिक लाइटिंग जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ढाही में अगर कोई घर है वहाँ ट्रांसमिशन लाइन नहीं जा सकती तो वहाँ पर वो अपना इंडिपेंडेंटली एक बैटरी बेस्ड सिस्टम में छोटा और आजकल बैटरी में भी आजकल जो लिथियम बैटरी जाते सॉरी हमारी लेड एसिड बैटरी जाती थी तो उनकी जगह अब लिथियम बैटरीज का भी यूज़ होने लगा है जिनकी लाइफ भी ज़्यादा है कॉम्पैक्टनेस भी ज़्यादा है और इजी टू यूज़ भी ज़्यादा है तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज भी नहीं आती जा रही हैं और उनके अकॉर्डिंगली आती जा रही हैं ताकि उनको इजी वे में वो रन कर सके अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छा है अभी पीछे दिन दिनों में मीडिया में भी काफ़ी आया है कि अभी सोलर कुक स्टोव अभी डिज़ाइन किया गया है इंडियन ऑयल ने और हमारे माननीय मंत्री जी ने भी उसको उसका इनोवेशन किया था तो उसमें डे टाइम में पहले क्या था सोलर कुकर के बारे में ये मानते थे कि इसमें खाना सही नहीं बनता लेट बनता है जी। और इसीलिए लोगों उसको उसको एक्सपेक्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी उसकी स्वीकार्यता उतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन अब क्या होने लगा है कि उसके अंदर वो सोलो कुकर किचन के अंदर ही रखा रहेगा उनके रसोई के अंदर ही रखा होगा सिर्फ उसको कनेक्ट करना है अपना जो उसके साथ चार्जिंग प्लेट है और उसके अंदर जो सिस्टम है ताकि दिन के समय या रात्रि के समय भी उसमें खाना बनाया जा सके और उसमें भी गवर्नमेंट अब इंसेंटिव उस पर देने जा रही है तो उसके अंदर सोलो कुकिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है वो और जो गैस सिलेंडर है उसकी वो पूरी सेविंग होगी और सेविंग मीन्स अर्निंग अगर right. गाँव में किसी का एक महीने में एक सिलेंडर भी उसका सेव हो जाता है तो डैट मीन्स अर्निंग उसकी राइट तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अब आ रही हैं सोलर के right. फील्ड में चाहे सोलर थर्मल हो मींस हीट बेस हो सोलर right. कुकिंग सोलर ड्राइंग right. या हमारे पावर जनरेशन हो सोलर पी वी बेस सिस्टम हो तो छोटी रिक्वायरमेंट से लेकर बड़ी से बड़ी रिक्वायरमेंट तक भी हम इसमें अंदर फुलफिल कर सकते हैं जी गरुड साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि जो सोलार एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें सोलर एनर्जी एक इन्वामेंट फ्रेंडली है पोल्यूशन फ्री है और अब काफ़ी सस्ती भी हो गई है तो इसका जितना हो सके उतना इस्तेमाल हम हमें अपने जीवन में करना चाहिए अगर हम इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो या घर पे हो या हमारे हॉस्ट हो, कॉलोनी में हो जहाँ पे भी पॉसिबल है वहाँ पे सोलर लगाना चाहिए यही मेरा संदेश है मनोजन साहब आप क्या जी मैसेज भी उसके मतलब लिए यही कहना चाहूँगा कि जैसे सोलर आ, आ, एनर्जी है या सौर ऊर्जा है जिसके बारे में हम सदियों से शुरू से जब से प्रकृति में आई है और जब से हम इस्तेमाल करते आए हैं तो सौर ऊर्जा के उपयोग से पूरी तरह से वातावरण भी शुद्ध रहता है किसी तरह के वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलता और इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं ये नेचर को के साथ भी मिलकर चलेगी और प्लस आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी है आपने एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैं इसको ये कहना चाहूँगा कि ये एक्सपेंडिचर नहीं है डेट इज़ इन्वेस्टमेंट जो आपको बहुत शॉर्ट टर्म में आपको पूरा पूरा पे कर देते हैं और ये आपकी ड्यूटी भी है कि आप लोग अपने वातावरण को साफ सुरक्षित बिल्कुल सोलार कर बिल्कुल बिल्कुल सोलर एनर्जी से बाकी और भी कई मैटर्स जो है वो हमारे रिजॉल्व होते हैं जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज है या पोल्यूशन है जैसा कि आप कह रहे हैं क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी है तो काफी तमाम और सम, जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली इसमें सॉर्ट आउट हो जाएंगे आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों को प्रोवाइड की थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही हमारे इस खास प्रोग्राम पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं हमारा ईमेल आईडी दी है डी डी उर्दू स्पेशल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत आदाब सोलर एनर्जी हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है हमने सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन काफ़ी पहले से शुरू किया था सौर ऊर्जा के उपयोग से पूरी तरह से वातावरण भी शुद्ध रहता है किसी तरह के वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलता और इसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं ये नेचर को के साथ ही मिलकर चलेगी और प्लस आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी है